कृष्ण भगवान की जय। तो नाना भैया जी बैठो मां, वाह वाह कर लगी जाए। अरे या छान किन्न छवाई जी जी, वही मजदूर को मखन नाम बताओ जे। वाह वाह मजदूरी देऊंगा सवाई उमा भाई बिठल लियो नहीं जाए जरूर। तो नामदेव जी महाराज उमा तक देखो भाई। वाह वाह अरे ध्रुवा बालक ना करी होता पाचा, ध्रुवा बालक ना करी होता पाचा, करी तपस्या बन में बैठा जाए। ध्रुव जी की माय दो थी, वाह वाह सुनीति वाह और सुरुचि जी जी। ध्रुव की माँ वाह वाह दो थी एक दिन ध्रुव, अरे इनकी उम्र 5 वर्ष की थी। वाह वाह ध्रुव खेलता हुआ वाह वाह अपना पिताजी की गोदी में जाने बैठी जा जी। जब पिता का नाम तो राजा उत्तान पाद, वाह वाह तो ध्रुव अपना पिता की गोदी में जब बैठेल देखा है, अरे तो सौकेली माए जी जी इसी समय वाह वाह अपना स्वामी से कहे कि स्वामी जी जिन बालक को तुमने गोदी में बैठायो, वाह वाह अरे यो आपकी गोदी का योग नहीं है। नहीं नहीं तो नाना भैया जी जी आज वो पिताजी अपना बेटा को गोदी से नीचे उतारी दे। अरे उतारना का बाद ध्रुव रोतो हुआ अपनी माँ का पास जा और माते से सके माँ जी जी आज मेरे पिता ने गोदी से नीचे उतारे क्यों। वाह वाह माते से कहे बेटा जी ये तीन मृत्यु लोक का पिता आ रहे। वाह वाह अरे ध्रुव जाखा तू पिताजी करी ना मानी रहो, वाह ये पिता तू मरने आ जी जी। ध्रुव कहे की मरने पिता, वाह वाह फिर भरा सच्ची मात का पिताजी छे कहा दल्लो। आज माते से कर लगी जाए बेटा जी थारा पिता वा वा। सच्ची मात का पिता तो थारा जंगल में रह जी। ध्रुव उसी समय वन की रास्ता पकड़ा जरूर अखंड जंगल में ध्रुव के पास वा वा। असो कोई दूसरो शब्द नहीं सिर्फ पिताजी पिताजी करता हुआ जयरा जी जी। जब अखंड जंगल में ध्रुव के पास एक ही वा वा। शब्द छे की पिताजी जी भगवान ने पिता का रूप पाई ने ध्रुव का दर्शन दिया जी। तो दादा वाह वाह ध्रुव का रहना को स्थान जी अमर कर दियो वैकुंठ का द्वार को पर, वाह वाह इनको रहना को स्थान परमात्मा ने दियो जी। तो ध्रुव बालक न करो तपस्या वन में बैठो जाई। अरे 5 वर्ष की वाह हमने हमारी उम्र 60 वर्ष की कर लिया जी जी। पर भगवान का चरण चिन्ह भी आज तक नजर नहीं आया। नहीं अरे वो नादान बच्चा ना वाह भगवान का जंगल में ढूंढ लियो जी। जिनकी वैकुंठ धजल है वो I'm not a man, I'm not a man.
अन सीता छुड़े न घर लायो बाबाई अठारह पदम दल चढ़ो राम को जी जी जहाँ सागर सिल्ला तिराई भैया जब सागर में हरे नील और नल नाम का दो वानर था जरूर पत्थर ने पर राम को नाम लिखा हरे पानी में फेंको पत्थर तिरण लगी जाए जी राम वाह वाह खुद अवतारी पुरुष था राम जब पत्थर लाए वाह वाह पत्थर ने का पानी में रीछ वानर ले रहा जी और राम पानी में पत्थर फेंको वाह वाह तो नाना भैया जी जी पानी में पत्थर डूबा धन्य राम कह के तमसो आए कहीं जी अरे बानर लोगे में नाम लिखी रहा वाह वाह पानी में पत्थर न का फेंकी रही तीरी रहा जी अनहव खुद फेंकी रो तो ये डूबी रहा धन्य हमारा कवि ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि मारे जी जी परमात्मा थारा नाम में कितनी ताकत छे जी अठारह पदम वाह रीछ वानर ने की सेना धन्नो सागर से पार वाह और वह अहंकारी रावण का दस तीस बीस भुजा जी को वध करी ना वाह एक धर्म की रक्षा माते श्री सीता का लेना हरे एक स्त्री जाति की लाज बचाना का लेना वाह भगवान सीता का वापस लंकापुरी से लाई रहा तो सीता छोड़ न घर लायो वो उमा भाई बिठा लियो अरे माता कुंती और पाचई पांडव माते श्री कुंती वाह और पांचों पांडव हरे जब वाह इनको जी जी दुर्योधन वाह इनका सुई की नोक का बराबर भी जी भूमि देना से इनकार कर दे हरे पांचों पांडव माते श्री कुंती को दुर्योधन ने निमंत्रण करा दिया इनका जिमना का जी बुला दिया वाह तो नाना भैया पांचे पांडव नका लेना अरे भोजन में जहर मिला लो जी जी जहाँ सोना को कक्ष थो वाह वो जाजम नखा ऊपर भी पांडव नखा लेना ने जहर फेंका दो अरे माते थी कुंती पांचे भाई पांडव वाह जब सुख की नींद में सोई जाए जी जी तो दुर्योधन वाह जने वो महल तैयार करा लो थो वाह वो लाख से बने थो अरे लाक्षा ग्रह का अंदर पांडव ने भी मारना चाहता था वाह पर ऐसा कर जी जब पर कृपा राम
पर राम की कृपा हुई जाए जी, कई ओके संसार में कोई मारी पावो नहीं नहीं भैया। वाह वाह, आज उल्ला छह ग्रह का अंदर से धधकती हुई आत्मा से अरे भगवान ने इनके जीवित निकाल दिया जरूर। तो सुरंग की रहावा बतायो उमा भाई विठल का शुभ नाम देवराम जी पटेल, हाल फिलहाल निवासी सक्तापुर के और पूर्व निवासी चिचरेल के हैं। इनका और शक्तिदान पर 100 रुपए की राशि भेंट हो। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। तो भैया अरे सूरया सुर बुलाया सुमेरु डुलाया जी सागर कलियो बिलोई दंड हो 14 रतन जिन्ना दाईजा मलाया। अरे भगवान वाह वाह, देव और दानव न को युद्ध करा जी, युद्ध करे न वाह वाह, समुद्र मथन मसी 14 रतन निकाल जी जी, और 14 रतन में 1 लक्ष्मी वाह वाह भगवान विष्णु को दे जी। तो वाले संत लोग का अरे वो झूठो निवतो विप्रसन्न सी को झूठो निवतो विप्रसन्न सी को कबीरदास जी महाराज काशी में भगवान का भजन कर जी, पर कबीर का भजन वाह वाह ये संसार का लोग नहीं, कबीर का ऊपर वाह वाह नाना प्रकार की आटिया दावत खड़ी हुई जी। काशी में ये हुकवाए चला वाह वाह कि कबीर का नहा से निकाले न भगाओ जरूर। क्यों वाह वाह कि कबीर का शब्द जो था जी जी वे बड़ा उल्टा सीधा था वाह वाह। नाना भैया जी जी कबीर का कबीर की बाणी अटपटी वाह वाह झटपट लिखे न जाए नहीं कबीर साहब वाह बड़ा उल्टा शब्द में बोल जी जी। तो काशी का वाह वाह गुणी ज्ञानी पंडा लोग न काखरदारी होए वाह। काशी शहर में चारों तरफ जी कबीर का घर को निमंत्रण लोग ने पैभारू फेर दियो वाह वाह कि कल जी कबीर का घर भंडारो छे। अरे दादा वाह वाह कबीर का घर संत लोग ने की जम्मा जिमना गाई जी। कबीर ने अपना घर संत ने कहता देखा वाह वाह मन में बड़ा आनंदित हो धन्यो। कबीर कहे कि आज धन भाग जी जी हमारा घर तो संत मेहमान आएगा वाह वाह बाबा जी। कबीर साहेब जी उनका जल पान कराना अरे जब भोजन को नंबर आयो वाह वाह कबीर साहेब ने पूछो जी महाराज भोजन वाह वाह तो उसी समय का ऊपर लाखी बंजारा का वो कण लगी जाए अरे
महाराज जी जी हम भोजन तो करेंगे। वाह वाह तो कबीर साहब अपनी आटा का डब्बा माटो देखा जी तो संत तो दूर रहा। वाह वाह पर कबीर खुद का लेने भी दो रोटी को आटो नहीं थो। नहीं नहीं कबीर दास जी ने जोड़ो उठाया। वाह वाह काशी शहर का बाजार में गया जी सेठ लोग ने की दुकान पर जाई न। वाह कहीं को उधार मांग जी मांगनो रह कसो अरे मांगन जाए तो कई होनु चाहिए जी जी भैया नाना भाई जब हम मांगन का जावा तो मांगनो भी याद होनु चाहिए जरूर। वाह जानू वाह काका जी वाह सेठ जी जी ये सामान हमको उधार दी दे तो वाह वाह सेठ कई कह जी कबीर दास जी जब झोड़ो लीना दुकान पर गया वाह सेठ जी से कहे सेठ जी जी 10 किलो आटा वाह वाह 2 किलो दाल उधार चाहिए जी तो सेठ लोग कबीर का बताए कि वो सेठ लोग लिखी न रखा। वाह वाह अपना दरवाजा पर लिखी न रखे कि आज नगद कल उधार। कबीर साहब को बता रहा है कि वो लिखा हुआ है जरा पढ़ लेना जी जी। कबीर दास जी आ गए की और बड़ा वाह वाह काशी शहर के हर एक दुकान पर गया वाह वाह पर कोई ने दाल आटो उधार दियो नहीं। नहीं नहीं नाना भैया जी उसी समय का ऊपर लाठी कबीर दास जी महाराज अरे अपना गांव काशी के शहर का छोड़ी न जंगल में चली जाए जी और एक वांस की रंजाड़ में जाई न भगवान का भजन कर।